के थाना सलीमनाबाद अंतर्गत ग्राम सारेभार जुजावल में खेत में लगे थे गांजे के पेड़। मुखबिर द्वारा सलीमनाबाद थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह को सूचना मिली कि विनोद गर्ग के खेत के बाजू वाले खेत में गांजे के पेड़ लगे हुए हैं। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी और सलीमनाबाद SDOP मोनिका तिवारी को जानकारी देते हुए मार्गदर्शन प्राप्त किया और एक टीम गठित कर मुखबिर के बताए हुए स्थान पर पहुंचे। खेत में पहुंचते ही एक व्यक्ति दिखा, जिससे पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सत्यकाम पटेल, पिता ओंकार पटेल, 37 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत राखी का होना बताया। जब पुलिस ने खेत में भ्रमण किया तो 11 पेड़ गांजे के लगे पाए गए। जब पूछताछ की गई तो उसने अपने पेड़ होना बताया। पुलिस ने सारे पेड़ों को उखाड़ते हुए ले जाकर वजन करवाया तो 11 पेड़ों का वजन 26 किलो 350 ग्राम निकला, जिसकी जब्ती बनाकर सत्यकाम के ऊपर कार्यवाही करते हुए धारा 8/18 नारकोटिक्स अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम जुजावल में सत्यकाम पटेल के खेत में गांजे के पेड़ लगे हुए हैं। सूचना की तस्दीक की गई, श्रीमान SP महोदय को अवगत कराया गया। SP महोदय के निर्देश पर हम लोग जाकर के खेत में देखे, वहाँ गांजे के पेड़ पाए गए। आरोपी की तस्दीक करने पर आरोपी का नाम सत्यकाम पटेल पाया गया। उसके खेत में 11 पेड़ थे, जिनका वजन कराया गया तो करीब 26 किलो 350 ग्राम गांजा मिला। आरोपी की गिरफ्तारी की गई, जिससे आज न्यायालय पेश किया गया। सर कितनी कीमत का होगा? लगभग 26,000 रुपये किलो का गांजा होगा वो। आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।